नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग एप्स में से एक है। व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए अपडेट्स जारी करता रहता है, जिनसे उन्हें यूजर्स को नए फीचर्स देने का मौका मिल जाता है। खबरों की माने तो व्हाट्सएप के आने वाले अपडेट के जरिए जिस फीचर को लॉन्च किया जा रहा है, उससे व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन्स को एक सुपर पावर मिल जाएगी। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। आपको जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को एक बेहतर अनुभव देने के लिए कई सारे नए फीचर्स टेस्ट कर रहा है, और खबरों की माने तो व्हाट्सएप एक खास ग्रुप व्हाट्सएप कम्युनिटी को बना रहा है, जो फिलहाल ट्रायल फेज में है। कहा जा रहा है कि इस फीचर को जल्द ही जारी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है व्हाट्सएप कम्युनिटी। आपको बता दें कि व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर एक प्राइवेट स्पेस होगा, जहां ग्रुप एडमिन के पास ज्यादा कंट्रोल्स मौजूद रहेंगे, जिससे ग्रुप एडमिन अपने व्हाट्सएप को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगा। दरअसल व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर कई ग्रुप्स का एक ग्रुप चैट होगा। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो यह कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपस में कनेक्ट करके एक ग्रुप बनाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ग्रुप का नाम और कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन टाइप करके ज्यादा से ज्यादा 10 ग्रुप को आपस में लिंक कर पाएंगे। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के पास अपने ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स के साथ लिंक करने की पावर होगी, और ग्रुप एडमिन्स को एक ऐसा टूल दिया जाएगा जिससे वो अपने ग्रुप्स को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपको बताते चले कि व्हाट्सएप बेटा इन्फो की रिपोर्ट के हिसाब से ऐप के इस व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर को जब भी जारी किया जाएगा, तब यूजर्स का या यूं कहे ग्रुप एडमिन्स के पास अपने ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स के साथ लिंक करने की सुपर पावर होगी, और ग्रुप एडमिन्स को एक ऐसा टूल दिया जाएगा जिससे वो अपने ग्रुप्स को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि फिलहाल इस फीचर को किसी भी यूजर के लिए जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिनके मुताबिक इस फीचर को जल्द ही रोल आउट किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप की तरफ से जल्द ही iOS यूजर के लिए भी अपडेट जारी किया जा सकता है। जी हाँ, जिससे यूजर्स जान पाएंगे कि ग्रुप कॉल पर कौन बोल रहा है। साथ ही व्हाट्सएप की तरफ से वेव फॉर्म पर काम किया जा रहा है, जिससे यूजर्स स्पीकर की पहचान कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप की तरफ से नए स्क्रीन पर काम किया जा रहा है, जिससे यूजर्स अपने बैन किए गए अकाउंट को रिव्यू के लिए देख पाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि फीचर या कम्युनिटी चैट कैसी दिखेगी। हालांकि व्हाट्सएप बेटा इन्फो द्वारा ये जरूर कहा गया है कि ये चैट भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप चैट के मुकाबले कम्युनिटी चैट में बहुत हल्का सा डिजाइन चेंज दिखाई देगा। ये हिंट दिया गया है कि कम्युनिटी आइकन गोल कोनों के साथ स्क्वायर की तरह दिखाई देंगे। आपको बता दें कि द वर्ड्स के अनुसार कम्युनिटीज फीचर ग्रुप एडमिन को ग्रुप पर अधिक अधिकार देगा। इसमें ग्रुप्स के भीतर ग्रुप बनाने की क्षमता शामिल है, जो एक अम्ब्रेला डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के नीचे चैनलों की व्यवस्था के समान हो सकती है। एडमिन कम्युनिटीज इनवाइट लिंक के माध्यम से नए यूजर्स को आमंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं, और फिर अन्य सदस्यों को मैसेज भेजना शुरू कर सकते हैं। यह बताना मुश्किल है कि ये चैट अभी कैसी दिख सकती है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्रतीत होती है। तो आपको व्हाट्सएप के इस अपडेटेड फीचर को जान करके कैसा लगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।